नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर देखें फिरोजाबाद से। बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। नमस्कार, वॉइस टीवी यूपी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दीक्षा कुलश्रेष्ठ। हम विधानसभा सिरसागंज के एक गांव में आए हैं, जहां पे हम लोगों की राय जानेंगे और उनसे ही जानेंगे कि वो अपना कीमती वोट किसको देंगे और किसको वोट देकर सीट पर बिठाएंगे। और यहीं के हम जनता से बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि क्या है उनकी राय। क्या नाम है आपका? राकेश। कौन सा गाँव है ये? सलेमपुर। क्या लगता है आपको कि आपको मौजूदा सरकार को या फिर आगे अपनी सरकार बदलना चाहते हैं? सपा सरकार। क्यों, ऐसा क्यों चाहते हैं आप? ज्यादा परेशान है, गैया दिली फिर रही है, सड़क खेतों ने रखाने पड़ रहे हैं। क्यों, इस मौजूदा सरकार ने तो गौशाला बनवाई है गांव गांव में, बनवाई है गौशाला, देशों का सांड गैया फिर रहा है। तो आपको इसी से बहुत समस्या है। लाइट का क्या है, कितने घंटे बिजली आती है? लाइट का भी चलते है 12 घंटा। 12 घंटे आती है। और क्या क्या परेशानी है, क्यों चाहते है कि सरकार बदली जाए? परेशानी है, सरकार तो सिर्फ महंगाई कर दे। क्या क्या बदलाव चाहते हैं आप अगर बदलती है सरकार तो? महंगाई कम होनी चाहिए, ये सांड गैया खेत ना रखाने पड़े। हाँ, डीएपी की बोरी खाद की 1200 ही मिलती, तो 1500 में खरीदनी पड़ी है। डीजल पेट्रोल, चलो डीजल पेट्रोल तो जो शौक करे वो चलाए वो, पर इतना महंगी डीजल तो होना चाहिए किसान ने के लिए। हमारे साथ यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं, जो कि उन लोगों को काफी जानकारी होती है, काफी टाइम से उनको सरकार बदलती हुई देखी है, तो हम उन्हीं से बात करते हैं। उनको क्या लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए, मौजूदा सरकार कोई काम करा रही है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश। क्या चाहते हैं आप? सरकार बदलनी चाहिए। क्यों चाहते हैं ऐसा? यहाँ पर देखो, तमाम तो मवेशी की समस्या है, और 5 वर्ष में जितने नौजवान बच्चा है वो सब नौकरी के लिए बैठे हैं, और जो बच्चा पढ़ने के काबिज हैं वो रात को 11-12 बजे तक मवेशी रखा रहे हैं। इनका भविष्य तो चौपट हो रहा है। यूरिया की पोजीशन देख लो, खाद की पोजीशन देख लो, 1200 रुपए वाली डीएपी वो 1500-1600 रुपए में मिली है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम बदलाव सरकार, तो बदलने वाली सरकार से आपको क्या क्या उम्मीद है कि क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव हमारा किसानों का सबसे बड़ा तो ये है कि बिजली फ्री मिलेगी। अखिलेश जी कह रहे हैं कि बिजली फ्री मिलेगी 300 यूनिट, और जो पंप लगे हुए हैं, जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उनका बिल माफ होगा। शिक्षा सस्ती मिलेगी इन बच्चों को। और आप ये चाहते हैं कि सरकार बदली जाए, लेकिन मौजूदा सरकार तो कई वादे कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें हैं, फ्री राशन बांटा है, सिलेंडर दिया है, ऐसा है 5 या 10 किलो राशन मिल जाए गृहस्थी में, उसका पालन, उसके परिवार का पालन नहीं होगा। और ये मवेशी रोजाना जमीन को उजाड़ रही है, गेहूं की फसल बर्बाद कर रही है, इससे किसान का गुजारा होगा? तो आप ये चाहते हैं सरकार बदली? हाँ, सरकार बदलनी चाहिए। यही, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उन्हीं से मैं बात करती हूँ, उनसे ही जानती हूँ। हाँ बाबा, क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। कौन से गाँव से हैं? सलेमपुर। क्या चाहते हैं आप, सरकार बदली जाए या यही सरकार रहे? बदली जाए। क्यों? गैया तो बहुत सारा आनी ज्यादा है, सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पे गौशाला नहीं है ना जी। क्यों, सरकार तो यही बोलती है कि गौशाला बनवाई गई है गाँव गाँव, देख लो गौशाला बनी है ना, है ही ना गौशाला। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सरकार बदली जाए। बदली जाए सरकार। तो क्या क्या बदलाव चाहते हैं? हम शिक्षित चाहते हैं कि एकदा कि सिलेंडर का फ्री दे रहे मोदी ने, बिंद योगी ने 1000 रुपया सिलेंडर वायरा हुआ है, और फ्री को नाम करता गल्ला बट रहा हुआ, गल्ला मिल रहा है, कचरों कितों मिला मिल रहा हुआ है, गरीब 1 किलो कम मिल रहा है, 2 किलो गल्ला मिल रहा था, उसका गुजारा कर ले। बता बिजली कितने घंटे आती है? कितने ही बिजली में आती है, रात में बसें चलते चलती है, रात चलती है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? बिजली बिजली सही नहीं है। और क्या बदलाव चाहते हैं सरकार से? और सरकार का बदलाव का जी गैया आसान से ढीले फिर रहा है, और का बदलाव चाहिए। और क्या कहना चाहते हैं?
अब हरिओम भैया तुमने कहाँ कल गमाई, बीजेपी तुमने अपनाई, जे चमचा चेनो लेना नहीं देंगे तो खोजू खोई देंगे अलग रहेंगे, जे भी रखी तेने करी बहुत बुराई, और रुचि यादव ने हरवाई, ओ तू ने करो फूल गाती जे भी रूप ने गो साथी, ओ तू ने करो फूल गाती जे भी रूप ने गो साथी, रे करो भरोसो अपनो कुरसी तो है गई सपनों। बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने अपनी समस्याएं बयां की हैं। यही मैं और युवा लोग हैं, मैं उन्हीं से बात करती हूं और उनसे जानती हूं कि कब से उन्हें रोजगार नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। क्या कौन से गांव से हैं आप? क्या लगता है आपको, मैं बस आपसे यही सवाल है मेरा आपसे, कब से रोजगार नहीं मिला है? मैं 2018 में मैंने बीएड की है, वो बीटीसी, मैं टेट भी क्वालिफाई हूँ, लेकिन सरकार से कोई वो नहीं मिल रहा है, कोई रोजगार नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? हम सरकार बदलना चाहते हैं। आपको पूरी उम्मीद है कि सरकार अगर बदलती है तो वो आपकी इन उम्मीदों पे खरा उतरेगी? नहीं, हमारे अखिलेश भैया ने वादा किया है हमसे, जो बीटीसी किए बैठे हैं और 69,000 बच्चों को धरना दिया था, उन्होंने कहा है कि 22 लाख रोजगार दिए वो कह रहे हैं वो, तो उसमें उन्होंने बोला है कि भर्ती हम कराएंगे। तो आप सरकार बदलना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या उम्मीद है, क्या क्या बदलाव चाहते हैं सरकार से? सरकार से बदलाव ये है कि उन्होंने बिजली की बोला है 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, और जो ट्यूबवेल सिंचाई वो बिल्कुल फ्री कर देंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में लैपटॉप बांटे उन्होंने और लैपटॉप बांटेंगे, और रोजगार की बात कर रहे हैं वो रोजगार भी देंगे। तो आप सरकार बदलना चाहते हैं, मौजूदा सरकार को फिर से वोट नहीं देना चाहते? बिल्कुल नहीं देना चाहते। यहाँ पे मैं यही जानना चाहूँगी, यहाँ पे महिला की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है? महिला की सुरक्षा तो बीजेपी में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनका कहना तो है पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादा सख्त कर दिया गया है। अब पुलिस प्रशासन से कुछ नहीं होता है, आप तो जानकार आपने देखा है इतने बलात्कार हो ना हो रहे, बहुत सारे कांड हो रहे हैं, तो ऐसे बहुत गुंडागर्दी है सरकार में, और पुलिस का राज है बस, और कुछ नहीं है, वो तो ऐसी झूठे बातें करते हैं वो योगी आदित्यनाथ, और उसमें कुछ नहीं। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। चलिए, मैं हमारे साथ इसी गांव में कुछ माताएं बहनें भी मौजूद हैं, मैं उन्हीं से जानती हूँ कि उनको इस गांव में किसके समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोमी। कौन से गाँव से हैं आप? सलमपुर से। क्या लगता है आपको, सरकार बदलनी चाहिए? हाँ बदलनी चाहिए। क्यों? जो बदलनी चाहिए सब खेती खड़ारी साना गाइन ने और महंगाई बनाई रही है, मोड़ी मोड़ा मुकरे मरे आ रहे हैं। तो आप ये चाहते हैं सरकार बदली जाए? सरकार बदली। क्या क्या उम्मीद है आपको बदलने वाली सरकार से? हमें उम्मीद जो कुछ मिलेगी मुझे कुछ मिलेगी। क्या कहना चाहती है? ये डीजल पेट्रोल तेज करते ये मर्जी करो, ये बच्चा मत दो करो, नानी में मिलेगा कंट्रोल पर, ये बच्चा भुगत मारे आ रहा है। राशन तो फ्री मिलता है ना? मुझे मिलते फ्री काम मिलता फ्री पूरा फ्री मिलेगा, और वो खा के बैठेगा बच्चा भुगत मारे आ रहा है, फिर कल का खाएंगे राशन वो खाएगा और फिर कल का खाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा का क्या है यहाँ? मेरा सर जी का मतलब साइकिल में वोट देंगे। सरकार को ही बदलना है आपको? राम राम बाबा। राम राम। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं? चले जाए मोदी योदी कोई न रहे। क्यों? मोदी 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 ने बेचला रेल बेचला एयरपोर्ट बेचला बिजली बेच लाई करेगा का देश मंगा करना। कितने घंटे आती है बिजली आपके गांव में? आउते नहीं कर। तो आप क्या चाहते हैं? अब ज्यादा जी रहे ही ना मोदी यार जो भी ऐसे चले जाए। तो सरकार अगर बदलती है तो क्या बदलाव चाहते हैं अब आप? तो सरकार बदल जाए। सरकार बदल जाए, लेकिन सरकार से बदलाव क्या चाहते हैं? सरकार जो दूसरी आगे तो बजे क्या करेगी, नौकरी देगी जो लोड़ा मारे मारे फिर रहे 3 साल में कोरोना तब जिन्हें क्या चल पचपन साल पीए चले गए लोड़ा पड़ता है तो लोड़ा सड़क खाए रहे हैं। आप बताइए, बोलिए आप बताइए। रात होते ही किसान भाई हमारे सब खेतों पे अभी हम सब लोग जाएंगे, किसान गेहूं 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 फसल लगाएंगे, साढ़ गैया
तंग आ चुके हैं सरकार से। सरकार से आप क्या लगता है, मौजूदा सरकार को आप वोट नहीं देना चाहते, सरकार बदलना चाहते हैं, तो आप इस सरकार बदलती है तो उसमें क्या बदलाव चाहते हैं? बदलना ये सबसे ज्यादा बेरोजगारी मुद्दा है। अच्छा, अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो आप कैसा विधायक चाहते हैं? विधायक हमारा ये सर्वेश गुंडू। विधान उनसे उम्मीदें क्या है आपको, अगर विधायक जो भी आपको उम्मीद है अपने विधायक से क्या क्या उम्मीदें हैं? हमें सारी उम्मीद उनसे ही है, बीजेपी से कुछ भी उम्मीद नहीं है। वो बीजेपी भी चूली वाले पानी में डूब के मर जाए, यहाँ आए नहीं हमारे गाँव में, यहाँ आए तो हम पटका के भगाएंगे। काफी परेशान हो चुके हैं, काफी परेशान हो गए। अब जाएंगे खेतों पे जाएंगे, वहाँ अब सुबह आएंगे 4 बजे 6 बजे तो क्या करें। हमारे साथ यहाँ पे महिलाओं से हमने बात की, युवाओं से भी बात की, तो हमारे साथ एक और भाई है, उनसे हम बात करते हैं कि उनकी क्या राय है वो रोजगार को लेकर। मैं उनके उनसे कुछ पूछना चाहूंगी, क्या लगता है कि रोजगार कम हुआ है या फिर बढ़ा है? रोजगार बहुत कम हो गया है इस सरकार में, और हमारे अखिलेश भैया जी ने पहले ही बोल दिया है कि 10 लाख छात्रों को नौकरी मिलेगी इस सरकार में अगर सरकार बनती है तो। भैया जी ने बोला है कि फिर 300 यूनिट बिजली मिलेगी, और भैया जी ने और ट्यूबवेल की फ्री सिंचाई फ्री मिलेगी, लैपटॉप बांटेंगे, उन्होंने पहले भी बांटे थे, और साइकिल उन्होंने दोबारा बोल दिया है। तो ऐसे तो मौजूदा सरकार ने भी बहुत सारी चीजें फ्री बांटी हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार बदलनी ही चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि पिछले मैंने इंटर कर चुकी है, मैंने 2018 में इंटर कर ली थी, मेरा पिछला एयरफोर्स का रिजल्ट अटका हुआ है। केंद्र सरकार से मैं पहले ये चाहता हूँ कि मेरा एयरफोर्स का पिछले वाला रिजल्ट निकालें, और 2 साल से एक साल हो गई पूरी, अपने वाला रिजल्ट ही नहीं आया। कितनी सालों से रोजगार नहीं मिला है? 3 साल से मुझे हो गई, मैं भर्ती देखते देखते मेरे को रोजगार नहीं मिला। तो आप क्या चाहते हैं, अब सरकार बदली जाए? हाँ, बदली जाए बिल्कुल। मौजूदा सरकार को आप वोट नहीं देना चाहते, सरकार बदलना चाहते हैं, तो आप बदलाव क्या चाहते हैं अब उनसे? बदलाव यही चाहते हैं हम, कि सरकार से ये बदलाव चाहते हैं कि रोजगार मिले भाइयों को, और ये हमारे मवेशियों से बहुत परेशानी हो रही है, हमारे पापा जी हैं, गौशाला नहीं खुलवाई जाए, और सुबह अगर रात को रखाते हैं हम तो सुबह खा जाती हैं, और सुबह रखाते हैं तो रात में खा जाती हैं। ये थी गांव सलेमपुर करखा के लोगों की राय सरकार को लेकर, वो चाहती है सरकार बदली जाए, अगर सरकार बदली जाए उनसे कई बदलाव भी चाहती है। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी और गांव में, नमस्कार।